नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खटीक समाज पर किए जा रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न के विरोध को लेकर अखिल भारतीय खटीक समाज के बैनर तले युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सोनकर की अगुवाई में नहर कॉलोनी में एक दिवसीय धरना देकर अपनी आवाज को बुलंद किया गया। धरने में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद मुंशी रामपाल ने भी शिरकत करते हुए धरने को संबोधित किया। मुख्य अतिथि एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंशी रामपाल ने कहा कि प्रदेश में खटीक समाज पर अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने जनपद के धाता थाना क्षेत्र के निवासी नाबालिग बालिका अनिता सोनकर के साथ हुए बलात्कार की घटना पर पुलिस द्वारा लीपापोती कर विधायक के प्रभाव में आरोपी वीर अभिमन्यु उर्फ गजेंद्र सिंह को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के दो दिन बीत जाने एवं धरना प्रदर्शन करने के बाद पुलिस द्वारा मामूली धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिसके कारण आरोपी आज भी खुले आम घूम रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा जांच में नाबालिग बालिका के कपड़ों को सबूत के तौर पर जांच में शामिल नहीं किया गया। आरोपी गजेंद्र सिंह द्वारा पीड़िता को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने जांच कर अधिकारियों पर भेदभाव किए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़िता को 1 करोड़ मुआवजे व सरकारी नौकरी दिलाए जाने की मांग की है। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सोनकर ने कहा कि जनपद में घटी पूर्व की अन्य घटनाओं में भी पुलिस प्रशासन द्वारा खटीक समुदाय के लोगों को फर्जी तरीके से फंसाया गया है, जिसे समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई या किसी विशेष जांच एजेंसी से जांच कराकर दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि यदि उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार कर समस्याओं का निस्तारण नहीं करती तो दिल्ली में समाज के लोगों द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर राजेश सोनकर, मुंशीलाल पाल, सीएल सोनकर इत्यादि सोनकर समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए, लगभग 4 महीने होने जा रहे हैं ये जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में सरकार है, हमें समझ में नहीं आता है ये सरकार बलात्कारियों को बचाने का काम क्यों करती है। यहाँ का पुलिस प्रशासन बलात्कारियों को क्यों बचाना चाहता है? माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं और यही इसी देश में उनके ही सरकार उन्हीं के शासन में बच्चियों का रेप होता, उनका बलात्कार होता, उनका शारीरिक शोषण होता और उनको न्याय मिलने के लिए ये आपका पुलिस प्रशासन जो पैसे लेकर के उस पीड़ित बच्ची को कहता है, झूठी रिपोर्ट लिखा रही है। लानत है ऐसी सरकार पे, लानत है ऐसी पुलिस प्रशासन पे, लानत है ऐसे भ्रष्ट प्रशासन पे जो ऐसे, काश ये घटना उनकी बच्चियों के साथ घटती तब यह उनको एहसास होता कि एक बच्ची का, एक बलात्कार पीड़ित बच्ची का दुख क्या होता है। आज 16 साल की बच्ची है, इस बच्ची की शादी होनी है, इससे शादी कौन करेगा? प्रशासन नहीं जानती, सरकार नहीं जानती, फिर उस बच्ची के साथ अन्याय क्यों कर रही है? इस बच्ची को न्याय दे और बलात्कारी गजेंद्र सिंह को फांसी दे। और जो इस केस में जो पुलिस प्रशासन माननीय सुरेंद्र पाल सिंह यादव, सीओ श्रीपाल यादव, एडिशनल एसपी पूजा यादव ने जो षड्यंत्र पूर्वक पैसों का तालमेल घालमेल कर करके मामले को जो है इस टाइप का घटना नहीं है बनाने का जो काम किया, झूठा रिपोर्ट जो यहाँ पे सरकार को सौंपा है, इन लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज हो। और हम माननीय सरकार से चाहते हैं कि इस मामले की सीबीसीआईडी जांच हो और इसके लिए मेडिकल बोर्ड गठित हो और इसकी जांच हो और दोषी पाए गए एसपी या जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो डॉक्टर है जिसकी सूचना हमें यह मिली है कि डॉक्टरों को दबाव पूर्वक यह रिपोर्ट बदलाने का काम किया गया है, जो रिपोर्ट सत्य थी, जबकि हम सभी लोग जानते हैं जो 2 फिंगर टेस्ट होता है। सरकार आपकी बात नहीं मानती, क्या करते हैं? हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर पे लाखों की तादाद में जो है धरना प्रदर्शन देंगे और सरकार को घेरेंगे। क्या नाम है? खुशी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 25 जून की घटना है, 3 दिन के बाद उसकी FIR बड़े दबाव, समाज का दबाव बनने के बाद लिखी जाती है। और उस FIR में भी, क्योंकि वो कमज़ोर बिना पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे अपनी मर्जी के अनुसार पुलिस उसकी के अनुसार FIR कर आती है। और फिर उसका जो मेडिकल भी ऐसे स्थिति में मोनोपोली ढंग से कराया जाता है कि जिसमें उसमें बलात्कार की घटना नहीं आनी चाहिए। तो हमारी मांग है कि इसमें प्रदेश सरकार से कि जो जिन लोगों ने बलात्कार किया है उस पर प्रदेश स्तर से जिले से बाहर की टीम से उसकी जांच कराई जाए और जांच में जो अधिकारी और जिस व्यक्ति ने, जिन अधिकारियों ने ऐसे व्यक्ति का, बलात्कारी व्यक्ति का
साथ दिया है उन अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जाएंगी। अगर आपके अधिकारियों पर आप अंकुश नहीं लगा पाएंगे तो इन घटनाओं को आप रोक नहीं पाएंगे। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अभियान, मैं समझता हूँ ये हवाई अभियान होगा। ये कहना कथनी और करनी को अपनी पालन करें, मेरी यही सरकार से मांग। धन्यवाद। मुंशी श्रीरामपुर सांसद अखिल भारतीय खटीक समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे साथ में भाई अखिल भारतीय खटीक समाज युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राजेश सोनकर जी। आज का आज हमारा फतेहपुर में जो आने का उद्देश्य और इस धरने का देने का उद्देश्य है, यह है कि एक दलित समाज की खटीक समाज की एक नाबालिग बच्ची के साथ दमंग लोगों ने बलात्कार किया और पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से उस बलात्कारी बच्ची की समय पर रहते न तो FIR पुलिस ने दर्ज की और उस केस को पूरी तरह से लीपापोती करने का काम किया। हमारा उद्देश्य सरकार से स्पष्ट मांग है कि जो दलित महिला नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती दमंगताई से जो उसके साथ बलात्कार हुआ है उसकी विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।